नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज एक प्रेस नोट जारी किया है जो कि एग्ज़ाम डेट्स को लेकर है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए कि क्या प्रेस नोट जारी किया गया है और अधीनस्थ बोर्ड ने आज क्या कहा है, उन सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, डेट यहाँ देखिए, सबसे पहले 10 अप्रैल 2019 को ये प्रेस नोट जारी किया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ कि इस प्रेस नोट में क्या जानकारी दी गई है, फिर बाकी बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। जो भी वैकेंसीज राजस्थान में जो अधीनस्थ बोर्ड ने निकाली थी, जिनकी एग्ज़ाम होना अभी बाकी हैं। अब कुछ दिनों पहले जैसे आपने जानकारी देखी होगी, जैसे स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट और भी कई एग्ज़ाम राजस्थान में पेंडिंग है, उनको लेकर एक्सपेक्टेड डेट से संबंधित आपने यूट्यूब पर भी कई वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ आप देखिए, इस तरह से फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम डेट जैसे मई में होना बताया गया था, स्टेनोग्राफर, इसी तरह से पुस्तकालय अध्यक्ष, इन सभी के एग्ज़ाम राजस्थान में पेंडिंग है और अभी तक इनके एग्ज़ाम की डेट अधीनस्थ बोर्ड ने डिक्लेयर नहीं की है। तो इसी को क्लियर करने के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने ये प्रेस नोट जारी किया है। अब देखिए प्रेस नोट में क्या कहा है। बोर्ड द्वारा विगत समय में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इन पदों पर भर्ती हेतु परीक्षाओं के आयोजन की तिथियों के निर्धारण के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा ईमेल एवं व्यक्तिगत संपर्क कर जानकारी चाही जाती है। ऐसा भी जानकारी में आया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से परीक्षाओं की काल्पनिक तिथियों के बारे में प्रचारित किया जा रहा है। अतः स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र वर्तमान में आचार संहिता प्रभावी होने से किसी भी परीक्षा के आयोजन के लिए तिथियों का निर्धारण बोर्ड कार्यालय द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा की तिथि की जानकारी अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन करके उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और बोर्ड की वेबसाइट ये है। यानी कि जो भी पहले मार्केट में एक्सपेक्टेड डेट से संबंधित जानकारी चल रही थी कि स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कब होगा, लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कब होगा, फार्मासिस्ट, कनिष्ठ अनुदेशक, जो भी एग्ज़ाम थे उनके बारे में जो मार्केट में अफवाह चल रही थी, उसी को लेकर अधीनस्थ बोर्ड ने ये क्लियर किया है कि अभी तक बोर्ड ने उन एग्ज़ाम की डेट को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है और आचार संहिता में आपके ये एग्ज़ाम नहीं होंगे। जब तक अब चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक ये एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप इस प्रेस नोट को देखना चाहते हैं तो अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करिए, वहाँ पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। तो ये आज का ये अधीनस्थ बोर्ड का ये एक अपडेट था। उम्मीद है जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह से राजस्थान की भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वैकेंसीज से जुड़े हुए राजस्थान की अपडेट आते हैं उनकी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।